मैं तुम्हें तमीज़-ए-दीन साहब की झूठी जिद और अना पर कुर्बान होने नहीं दूंगा इफ्रा। मेरी मोहब्बत मुझे ऐसा करने नहीं देगी। बैठ कर बात करते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, प्लीज। ठीक। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था फिर? जो इतना बड़ा जुल्म किया इन लोगों ने हमारे साथ, और अफसोस की बात यह है कि ये सब हमारे अपने थे। दिल तो चाहता है कि इनको अपने अपने अंदर से तलखी और गुस्सा निकाल दो साहिब। वैसे भी अब फर्क नहीं पड़ता, हमारे घर वाले कभी हमारे रिश्ते से राजी नहीं थे, शायद इसीलिए हमारा रिश्ते कभी मायने ही नहीं रखता था। वाह क्या जवाब है, वही इस तरह तो सारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। अब क्या मोहब्बत भी इंसान बड़ों की इजाजत लेके करे? तुम तो हो ही अहमक, पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा, कसम से। मैंने ये बात तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए नहीं कही थी, पता है मैं ही बेवकूफ थी जो मैं यहाँ तुम्हें समझाने खड़ी हो गई। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था।